तो दोस्तों कैसे हो आप सब। डालमिया मतलब जाना माना ब्रांड, मतलब आपकी जॉब लगना निश्चित है। यहाँ वही रुके, अगर कोई सिविल इंजीनियर हो, कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बिलोंग करता हो, केमिकल से बिलोंग करता हो, इंस्ट्रूमेंटेशन से बिलोंग करता हो, मेटलर्जी से बिलोंग करता हो, अगर आपके पास डिप्लोमा है तब भी आप यहाँ एलिजिबल है, अगर आपके पास बीटेक है तब भी आप यहाँ एलिजिबल है, आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हैं आप यहाँ एलिजिबल। बात कर लेते हैं पास आउट ईयर की, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 18, 17, 16, 15, 14, 13, ये सभी एलिजिबल हैं। इसीलिए आज अगर आप वीडियो देखते हैं तो अप्लाई ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको जॉब चाहिए तो। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ आपको क्लियरली बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि ये है फेक नोटिस जो आपसे जॉब के अगेंस्ट में मनी की डिमांड करता है, मनी के बारे में बोलता है, मनी लेने के बारे में बोलता है, मनी देने के बारे में बोलता है, वो कभी आपको जॉब नहीं देगा। तो रिक्वेस्ट टू यू, कभी भी किसी से पैसा मत लें और पैसा मत दें। अब बात कर लेते हैं जॉब की। दोस्तों जॉब के बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल याद से फॉलो कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन जरूर करते जाएं। अब बात कर लेता हूँ कौन कौन सी, भी यहाँ बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है 12 जून से लेके 13 जून, 11 जून, 10 जून, 9 जून, 8 जून। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, सबसे पहले यहाँ मैं आपको फ्रेशर्स के लिए ही जॉब बताऊँगा, वैसे तो बहुत सारी वैकेंसी है एक्सपीरियंस वालों के लिए। लीड का मतलब होता है हेड, अब ये हेड वाले कोई एक साल के एक्सपीरियंस या फ्रेशर को तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं बना देंगे, तो ऐसी वैकेंसी जो आपको एक्सपीरियंस वाले लगे उसको ओपन भी मत करके देखिएगा। जैसे कि ये सेकंड स्टार्ट से लास्ट की ये तीन वैकेंसी जो हैं इन्हें मत देखिएगा। अब जो स्टार्टिंग से देख लेते हैं, जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है प्रोजेक्ट स्टोर सपोर्ट। इसमें कौन एलिजिबल है? इसमें एलिजिबल हैं डिप्लोमा वाले। डिप्लोमा मतलब DET, इसमें डिप्लोमा की ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। जो प्रोजेक्ट होता है, जो कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आता है, आपको पता होगा डालमिया एक बहुत बड़ा ग्रुप है और डालमिया के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट, कोर डिपार्टमेंट, छोटे डिपार्टमेंट होते हैं। दोस्तों इनके प्लांट्स भी बड़े बड़े होते हैं, तो याद रखिए ये अभी प्रोजेक्ट स्टोर सपोर्ट के लिए वैकेंसी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको अप्लाई नाउ पे करना है। सिर्फ इसी का नहीं, मैं और भी वैकेंसी दिखाऊंगा। अगर आप इसको ओपन करके देखते हैं तो यहाँ आपको नज़र आ जाएगा कि यहाँ सभी एलिजिबल हैं। इन्होंने कोई भी रीज़न ऐसा नहीं दिया है कि यहाँ एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल हैं। और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 14/6 रहने वाली है। ध्यान से देखिएगा 14/6 और 5:26 इन्होंने टाइम भी दे दिया है। लोकेशन कहाँ रहेगी इसकी? आसाम में पोस्टिंग रहेगी। एक वैकेंसी को मैं लास्ट में अप्लाई भी करके दिखाऊंगा, उससे पहले और वैकेंसीज बता देता हूं। दोस्तों ये दूसरी वैकेंसी भी डिप्लोमा वालों के लिए, प्रोजेक्ट स्टोर सपोर्ट। ऐसे ही प्राइमरी लॉजिस्टिक ऑपरेशन, ये वाली भी डिप्लोमा वालों के लिए है। इसके साथ साथ डेप्यूटी, ये हेड के लिए है, हेड एक्सपीरियंस वाले होते हैं। इसके साथ साथ अब आया जूनियर इंजीनियर, जो आपने वहां देखा होगा जूनियर टेक्निकल सर्विस इंजीनियर। ऐसे ही टेक्निकल सर्विस इंजीनियर, इसमें बीटेक की ऑल ब्रांचेस, मतलब आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी या किसी भी आप ब्रांच से हैं, आप यहां एलिजिबल हैं। डेजिग्नेशन क्या रहेगी? इक्वेलेंट टू जूनियर इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल सर्विस इंजीनियर। कांडी में इसकी पोस्टिंग रहेगी। बात कर लेते हैं इसमें मांगा क्या गया है। दोस्तों यहाँ फ्रेशर वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। इन्होंने, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो दिया है इसमें 16/6 लास्ट डेट दी है, 16/6 आप देखेंगे। और ये पोस्टेड कब हुआ है? 9/6 को, कुल 7 दिन के अंदर वैकेंसी है, फिलअप करनी है 11:24। देखिए एग्जैक्ट टाइम, और इसकी पोस्टिंग कहाँ रहनी है? वेस्ट बंगाल में। आप मेल हैं या फीमेल हैं? अब बहुत सारी गर्ल होंगी वो बोलेंगे कि हम इसमें भर सकते हैं। जी हाँ, आप
अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई ज़रूर कीजिएगा इसमें। अब बात कर लेते हैं इनको अप्लाई करने की, और भी बहुत सारी वैकेंसी है वैसे तो, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ टेक्निकल सर्विस इंजीनियर है, टेक्निकल सर्विस इंजीनियर है, टेक्निकल सर्विस ऑफिसर है, ये अलग अलग लोकेशन के लिए है, देखिए मालदा के लिए है अलग, ये सीमेंट बिजनेस के लिए है, ये आप टेक्निकल सर्विस ऑफिसर में देखेंगे तो इसमें भी फ्रेशर वालों को ही रिक्रूट करने लग रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा। इसकी सिमिलर वैकेंसी आपको देखनी हो, और इनकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, ये महाराष्ट्र में, मुंबई के, ये नागपुर में पोस्टेड रहने वाली है, ऐसे ही अलग अलग लोकेशन के लिए है। बात कर लेते हैं किसी भी एक वैकेंसी को अप्लाई करने की। देखिए आपको कोई भी वैकेंसी खोलेंगे, यहाँ आपको अप्लाई नाउ मिल जाएगा, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका मेल आईडी मांगा जाएगा, जिस अगर रजिस्टर्ड इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर आप न्यू यूजर हैं तब भी आप मेल आईडी डाल दीजिए, ओल्ड यूजर है तब भी। मान लीजिए मैं अपनी ऑफिशियल मेल आईडी डाल देता हूँ जिसका नाम है jobjohnofficial@gmail.com। जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास एक OTP आएगा, वैलिडेशन कोड जो आएगा मेरी मेल आईडी पे, तो आपकी भी मेल आईडी पे आएगा। दोस्तों जैसे ही मैं अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करके आऊँगा तो यहाँ कुछ इस तरीके की सीट मांगी जाएगी। याद रखिए इन्होंने दो तरीके दिए, आप लिंक्डइन से अप्लाई करना चाहते हैं, इंडीड से अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए मैं आपको पर्सनली सजेशन करूँगा, आप किसी से अप्लाई मत कीजिए, आप डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। जैसे ही आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो ये आपको दे देना है, ये एड्रेस वगैरह सभी चीज़ आपको फिलअप कर देनी है, UAN नंबर, ये UAN, डू नॉट लीव UAN नंबर ब्लैंक, इफ यू UAN नंबर क्रिएटेड प्लीज फिल। देखिए इन्होंने ये बोला है कि UAN नंबर होता है जो आपका PF नंबर होता है, अगर आपका क्रिएटेड नहीं है, आप फ्रेशर है, तो इन्होंने बोला है 00000 आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको करेंगे आपको नेक्स्ट आपको मिलेगा कि ये जो है आपके पास लीगल वर्क परमिट है इंडिया के लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं ये वाला क्वेश्चन है आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए, तो इसको आपको ऐसे ही करना है क्योंकि यहाँ स्टार मार्क है। आपके पास आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इसको नो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने आज के टाइम में क्रिमिनल्स या फिर जिसके ऊपर कोर्ट केस या FIR है उनको लेना मना कर दिया है। ड्रग्स वालों के लिए भी आप नो ही कीजिएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है सेक्सुअल ऑफेंस, नो ही कीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहां 2024 वालों के लिए भी इन्होंने वैकेंसी दे रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं तो 2023 वालों के लिए ही बोल रहा हूं, तो जैसे ही 2024 वाले भी यहां अप्लाई कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा उनको। अब आया नेक्स्ट ऑप्शन, यहां रिज्यूम और यहां कवर लेटर। दोस्तों एक चीज मैं आपको सभी को बता दूं, कवर लेटर तो मैंने अपने, कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी छोटी बातों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, मैनी से मैनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, उसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर कहां मिलेगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक छोटा सा फॉर्मेट बना के अपडेट कर दिया है, आपके पास अपना है तो आप वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, अगर मेरे को आपका अच्छा लगेगा तो वो मैं कवर लेटर आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आपका नाम लिख के जो आप ही का उसमें नाम रहे। इसके साथ साथ रिज्यूम भी आप देखेंगे, रिज्यूम भी मैंने अपडेट कर दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ऐसा करने के बाद आपको यहां से अपना सारे डॉक्यूमेंट डाल देने हैं, डालने के बाद लैंग्वेज सेट कर देनी है, फुल नेम करके इसको सबमिट कर देना है। तो ये थी आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, बार बार नहीं आती है, आज ही अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी जाके, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।